हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, यहाँ पर बन रहा है रात के खाने में थालीपीठ। और थालीपीठ कैसे बनाते हैं आपको तो पता ही होगा। और हाँ, मैं कैसे बनाती हूँ वो आपको बता देती हूँ। ज़्यादातर सब्जियाँ बच जाती है, उस सब्जियों को आटे में मिक्स करती हूँ, थोड़ा सा हल्दी नमक और जो भी अपने मसाले हैं उसमें डाल देती हूँ, और थोड़ा सा तेल वगैरह डाल के उसको गूँद लेती हूँ। और बस नमक वगैरह डाल के गूंदना है और आपका जो आटा है वो रेडी हो जाएगा, और उसके आप थालीपीठ बना सकते हो, मतलब पराठे बना सकते हो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बहुत ही यम्मी लगते हैं, बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। यहाँ पर साइड में दूध रखा है मैंने गर्म करने के लिए। एक्चुअली आप बोल रहे थे ना कि दी दूध दो टाइम गर्म करा करो, तो वही सीख गई हूँ, अभी दो टाइम गर्म करती हूँ, दूध तो फटता नहीं है। थैंक यू सो मच गाइज, ऐसे सलाह देते रहो। और मतलब कैसा रहता है कि आप ऐसे घर के जैसे सलाह देते हो ना, मतलब घर के जैसे कुछ बताते हो ना, तो अच्छा लगता है। और कोई कोई ऐसा रूडली बताता है ना, अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल। मतलब ऐसा लगता है कि यार आप वही चीज़ थोड़े से प्यार से भी समझा सकते हो, और वही चीज़ आप इतना रूड तरीके से बोलते हो, और तो वो बहुत ही गंदा लगता है। बट आप जब अच्छे से प्यार से समझाते हो ना, तो वो चीज़ करके देखती हूँ मैं, और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि चलो यार कुछ अच्छा लग रहा है, अच्छे से सीखने के लिए मिल रहा है कुछ ना कुछ आपकी वजह से भी मुझे। और जो मुझे पता है तो वो तो आपके साथ मैं शेयर करती ही रहती हूँ। तो बस यहाँ पर पराठे बना लूँगी, और बस ये है दूसरे दिन की, मतलब जिस दिन मंडे है। और हाँ, आज का है श्रावण सोमवार, पहला श्रावण सोमवार। और पहले श्रावण सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, क्योंकि बहुत लोगों ने रखा होगा। और हाँ, ये तो हमारे महाराष्ट्र का पहला श्रावण सोमवार है, बट इससे पहले ही आपके श्रावण सोमवार स्टार्ट हो गए होंगे। अगर आप यूपी वगैरह से हो, यूपी बिहार वगैरह उधर की साइड से हो, तो आपके सोमवार तो पहले ही स्टार्ट हो गए होंगे। यहाँ पर पूजा कर रही हूँ, और कितना कुछ सोचा था यार आज के दिन के लिए, इतना सोचा था कि आज ये करूँगी वो करूँगी, बट कुछ भी नहीं हो पाया गाइज। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी आज के दिन, मतलब मैंने बहुत सोचा था कि साड़ी पहनूंगी, ये करूँगी वो करूँगी, बट पूरा प्लान ही चौपट हो गया। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि श्रावण सोमवार के दिन ऐसा होगा, और इतनी ज़्यादा लो फील कर रही थी मैं आज के दिन। यहाँ पर कैसे जैसे मैंने पूजा कर ली, थोड़ी देर के बाद आपको बताती हूँ क्या हुआ था। जो आपने क्लिप देखी, मतलब पूजा वगैरह की, वो मंडे की थी, कल की थी, और आज है ट्यूसडे। तो ट्यूसडे के दिन मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ। एक्चुअली कल क्या हुआ था वो बता देती हूँ आपको। मैंने पूजा की, एक्चुअली सुबह से ही मुझे अजीब सा लग रहा था, थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ लग रही थी, बट आपने देखा ना कि मैंने घर के फ्रॉक पे ही पूजा की। मैंने बहुत सोचा था कि पहले मंडे पे मैं साड़ी पहनूंगी, आप लोग बहुत दिनों से बोल रहे थे ना कि दी साड़ी पे ब्लॉग बनाओ, साड़ी पे ब्लॉग बनाओ, तो मैंने बहुत सोच के रखा था जब सोमवार आएगा तो उस दिन मैं साड़ी पहनूंगी, अच्छे से रेडी हो जाऊंगी और फिर अच्छे से पूजा करूंगी। बट घर पे मेहमान होते हैं ना तो थोड़ा सा होता भी नहीं है, ससुराल वाले होते हैं तो थोड़ा सा टाइम उनको भी देना पड़ता है। अगले दिन ही सोच के रखा था कि मैं दूसरे दिन साड़ी पहनूंगी मंडे के दिन, बट थोड़ी सी सुबह से ही मतलब तबीयत गड़बड़ लग रही थी। और पूजा मैंने कैसे तैसे कर ली, और उसके बाद से एक तो खाली पेट, मतलब सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था, और उसके बाद पूजा करने के बाद ना इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई एकदम से, अचानक से मतलब फीवर भी चढ़ गया, हाथ पैर भी दर्द करने लगे, अजीब सा ही होने लगा। इसी वजह से मैं टैबलेट लेके सो गई फिर, और शूट बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पाई। तो मेरा पहला मंडे, जो मेरा पहला श्रावण सोमवार था, तो ऐसा ही गया। और उसके बाद रात को भी सो गई, मतलब कल के डेट में कुछ भी शूट नहीं हो पाया। तो इसी वजह से आज मैं फ्रेश मूड में, अच्छे से मतलब अच्छा लग रहा है मुझे, फ्रेश हूँ और अच्छे से रेडी हो गई हूँ। और अभी मुझे थोड़ी देर के बाद कहीं जाना भी है, तो वो तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा कि कहाँ जा रही हूँ, क्या करने वाली हूँ, और सरप्राइज है, बहुत अच्छा लगने वाला है आपको नेक्स्ट व्लॉग। तो बहुत दिनों से आपकी डिमांड भी थी कि ये करो दी, तो इस वजह से वो व्लॉग आपको कल देखने के लिए मिलेगा। बट आज क्या दिखाने वाली हूँ मैं, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरे टॉप 10 फाउंडेशन, जो मेरा फाउंडेशन कलेक्शन है। आप बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे दी आपका मेकअप कलेक्शन दिखाओ, तो मेकअप कलेक्शन अगर दिखाने बैठ जाती तो बहुत सारा हो जाता, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो फाउंडेशन कलेक्शन दिखा देती हूँ आज आपको। तो टॉप 10 जो फाउंडेशन है मेरे पास, और बहुत अच्छे ब्रांड के हैं, बहुत पसंद है मुझे, और आपको भी हेल्प होने वाली है इस वीडियो से। अगर आपको भी फाउंडेशन लेना है, बेस वाला फाउंडेशन या ओके ओके फाउंडेशन या क्या बोलते हैं बेस्ट क्वालिटी बट अफोर्डेबल फाउंडेशन, तो वो सब कुछ आपको अभी देखने के लिए मिल जाएगा। और अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सा फाउंडेशन कैसा है, क्या है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए गाइस, जल्दी से अपना फाउंडेशन कलेक्शन शेयर करती हूँ आपके साथ। सबसे पहले मैं अफोर्डेबल के साथ जाती हूँ, मतलब
स्टार्टिंग करती हूँ कम प्राइस से। तो यहाँ पर देखो ये है लैक्मे इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन, मतलब इनविजिबल मतलब ये जो फाउंडेशन है आपको इवन टोन देता है और आपको ऐसा लगता भी नहीं है कि आपने कोई फाउंडेशन अप्लाई किया है। अगर आपको रेगुलर के लिए कोई फाउंडेशन चाहिए तो ये फाउंडेशन बेस्ट है गाइज। इसमें मेरा शेड है 02। इस फाउंडेशन की खास बात यह है कि एक तो लैक्मे ब्रांड से है, इतने अच्छे ब्रांड से है, उसमें अफोर्डेबल भी है। शायद ये फाउंडेशन 200 या 250 मतलब बस इसी रेंज में था, इसके ऊपर नहीं था। काफी दिन पहले का फाउंडेशन है ये और मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगता है ये फाउंडेशन। SPF 8 है इसमें, ज्यादा नहीं है SPF बट फिर भी 8 है तो हम लोग सनस्क्रीन तो अप्लाई कर ही लेते हैं तो इसी वजह से 8 काफी है अपने लिए। दूसरों को ये लगता नहीं है फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद कि आपने कुछ अप्लाई किया है, मतलब फाउंडेशन वगैरह हीवी कुछ अप्लाई किया है, तो ये फाउंडेशन बेस्ट है अगर आप कम प्राइस का और अच्छा वाला फाउंडेशन चाहते हो तो। उसके बाद जो है वो फोटो फोकस फाउंडेशन है वेट एंड वाइल्ड का। तो ये फाउंडेशन मैंने सेकंड इसलिए रखा है क्योंकि ये थोड़ा सा शेड मुझे गलत आया, थोड़ा सा क्या, इसमें शेड ही थोड़े से गलत आ ही जाते हैं और इस फाउंडेशन में ज्यादातर लोगों के पास गलत ही शेड होंगे, या तो डार्क है, बहुत ज्यादा डार्क है, या तो बहुत ज्यादा वाइट है। तो इसी वजह से मेरा भी ये गोल्डन बेज जो शेड है मेरे स्किन टोन से बहुत ज्यादा लाइट है, मतलब दो या तीन शेड लाइट है। मैं इसे अप्लाई कर लेती हूँ फिर भी डार्क शेड में मिक्स करके, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा शेड अगर अच्छे से आ जाता है, बट ये फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद आपके फोटोज इतने बढ़िया आते हैं, इसी वजह से इसका जो नाम है वो फोटो फोकस फाउंडेशन दिया है। और ये भी फाउंडेशन आपको अंडर 500 मिल जाएगा तो काफी अच्छा फाउंडेशन है गाइज आपको, अगर आपका परफेक्ट शेड मिल जाता है तो बहुत लकी हो आप। और उसके बाद है ये लॉरियल का ट्रू मैच फाउंडेशन, इसको मैंने थर्ड नंबर पर रखा है। ये इसलिए कि इसमें थोड़े से ग्लिटर पार्टिकल्स है, चमकी पार्टिकल्स है, मतलब ज्यादा नहीं है बट थोड़े से, अगर आप डे टाइम में अप्लाई करते हो नहीं से तो थोड़े से आपके फेस पे चमकी पार्टिकल्स दिखेंगे, और अगर नाइट टाइम में अप्लाई करते हो तो बहुत अच्छी स्किन दिखेगी आपकी, बहुत ज्यादा ग्लोइंग, और उस टाइम पे तो आपको थोड़ा सा ग्लिटर चाहिए ही होता है। तो इसीलिए मैंने ये नाइट टाइम फंक्शन के लिए रखा है। और इसमें मेरी गलती ये हो गई कि ये जो फाउंडेशन है मेरा थोड़ा सा डार्क आ गया, अंबर शेड है मेरा, तो इसी वजह से अगर मेरे स्किन टोन से आप थोड़े से डार्क हो तो आप ये शेड ले सकते हो अंबर, और अगर आप मेरे स्किन टोन से लाइट हो तो बिल्कुल ये शेड मत लेना, और मेरे स्किन टोन के हो तो भी नहीं, आपके पास अगर थोड़ा सा लाइट शेड हो कोई दूसरे फाउंडेशन में तो आप ले सकते हो ये वाला शेड, क्योंकि पता है क्या मैं फोटो फोकस में थोड़ा सा फोटो फोकस इसमें मिक्स कर देती हूँ और फिर लगा लेती हूँ ये, तब जाके ये अपना मेरा शेड बन जाता है। तो ये है थर्ड फाउंडेशन मेरा। फोर्थ नंबर पे मैंने ये रखा है, मतलब मैं नीचे से ऊपर तक जा रही हूँ, ठीक है, मतलब जो हाईएस्ट फाउंडेशन है वो फर्स्ट नंबर पे आएगा, जो बहुत ज्यादा मुझे पसंद है वो ये है फिटमी का। ये ट्यूब है एक्चुअली, इसका मेरे पास पॉम्प वाला भी था, वो पता नहीं अभी दिख ही नहीं रहा है तो इसी वजह से ये मैंने ट्यूब आपको दिखाने के लिए ले लिया। तो अभी शिफ्टिंग के चक्कर में ना इधर उधर कहीं पड़ा होगा, मिल जाएगा तब आपको दिखा दूंगी। तो ये है मेबेलिन फिटमी का मैट प्लस पोरलेस फाउंडेशन, ये सभी का फेवरेट होगा, सभी का, जो लोग ज्यादा हाईएस्ट फाउंडेशन यूज करते होंगे ना तो भी उनका ये फेवरेट होगा ही, क्योंकि उनके पास होगा ही होगा ये फाउंडेशन, क्योंकि ये ऐसा फाउंडेशन है कि स्टार्टिंग सब लोगों ने इसी के ही साथ की है, मतलब हायर रेंज के प्रोडक्ट लेने की स्टार्टिंग इसी से होती है सबकी, और ये जो फाउंडेशन है बहुत लोगों का, मतलब सबका ही फेवरेट है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा फाउंडेशन ले तो ये फाउंडेशन बेस्ट है आपके लिए, ये फाउंडेशन ले सकते हो आप। अगर आपको ट्रायल के लिए लेना है, आपका शेड आपको नहीं पता है, ट्रायल के लिए लेना है तो ट्यूब पैकेजिंग में भी आता है इस तरह का, तो ट्यूब पैकेजिंग में भी ले सकते हो आप। ये भी फाउंडेशन 299 की ट्यूब है बट ऑनलाइन डिस्काउंट में मिल जाता है, और अभी तो अमेजोन पे सेल भी चल रहा है तो आप उसका फायदा उठा सकते हो और उस सेल में आप इसे परचेस कर सकते हो, मतलब सारे ही फाउंडेशन। मैं लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लेना। उसके बाद यहाँ पर है मेरे पास ये फेसेस कनाडा का अल्टीम प्रो फाउंडेशन, ये सेकेंड स्किन फाउंडेशन है, सेकेंड स्किन इसका नाम इसीलिए रखा गया है कि ये भी जैसे मैंने लैक्मे का बताया आपको उससे भी ये नेचुरल लगता है, मतलब आप रेगुलर इसे यूज कर सकते हो, आपको मतलब दूसरों को पता भी नहीं चलेगा कि आपने फाउंडेशन यूज किया है और आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा नेचुरल इवन दिखेगी। अगर आपको इस तरह के फाउंडेशन पसंद है ना तो डेफिनेटली आप ये फाउंडेशन ले सकते हो, इतना ज्यादा आपको पसंद आएगा कि आप पूछो ही मत। तो ये फाउंडेशन, इसमें मेरा शेड है 03, इसमें 4 ही शेड आते हैं, गिनने चुने शेड है, इसमें 4 ही शेड आते हैं और उसमें से ही आपको शेड चूज करना पड़ता है, शायद 3 शेड आते हैं, 4 शेड मुझे
कंफ्यूज हो रही हूँ मैं 3 या 4 शेड में, तो उसमें से मेरा ये 3 शेड है, 03 बेज शेड है, तो ये इतने ही शेड आते हैं इससे। हाँ शायद सैंड आता है इसमें, एक शेड सैंड भी है, एक आइवरी है, एक दूसरा पता नहीं कौन सा है, तो वो शेड है। तो ये भी आप पक्का ले सकते हो, बहुत अच्छा फाउंडेशन है। जो भी फाउंडेशन मैं आपको दिखा रही हूँ ना, काफी अच्छे फाउंडेशन है गाइस, बट उसकी खासियत और इसके थोड़ा सा वो बता रही हूँ आपको कि क्या प्रॉब्लम हुआ है उसमें, इसी वजह से मैंने वो ऐसे सीक्वेंस वाइज लगाया है। तो यहाँ पर है ये सुपरस्टे फाउंडेशन मेबलिन का, ये भी बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है गाइज, मतलब 24 आवर लिखा है यहाँ पर फुल कवरेज फाउंडेशन। अगर आपको फुल कवरेज फाउंडेशन पसंद है ना, तो आप डेफिनेटली ये वाला फाउंडेशन ले सकते हो। इसमें भी मेरा शेड सनबेज है, तो इससे आप एक शेड कम ले सकते हो, मतलब जो लाइट शेड है वो, अगर आप मेरे स्किन टोन के हो तो। थोड़ा सा ये मेरे स्किन टोन से डार्क शेड है, वो भी क्या बोलते हैं मेबलिन फिट मी का भी, और ये भी मैंने उससे ही ये मंगाया था, मुझे लगा था कि ये भी मेरा शेड होगा, बट कोई बात नहीं, मेरे पास इतने सारे लाइट शेड है तो इसी वजह से उसमें मैं मिक्स करके कुछ ना कुछ अपना शेड बना ही लेती हूँ। उसके बाद ये फाउंडेशन है लॉरियल का इनफेलिबल स्टे फ्रेश फाउंडेशन, ये भी 24 आवर की गारंटी देता है। तो 24 आवर तो वैसे कोई फाउंडेशन टिकते नहीं है, अगर मेरी जैसी ऑयली स्किन है ना आपकी, तो पूछो ही मत, इतना ऑयल क्रीज करते हैं, इतना ऑयल क्रीज करते हैं, तो इतने देर तक तो आपके स्किन पे नहीं टिकेंगे। हो सकता है ड्राई स्किन पे टिक जाए, बट जैसी मेरी स्किन है उस पे तो फाउंडेशन ज्यादा देर टिकती ही नहीं है। तो ये जो शेड है मेरा 220 सैंड है, तो इस ये शेड मुझे आ जाता है, मतलब अच्छे से मैच हो जाता है ये वाला शेड मेरे स्किन टोन पे। देखो मैंने वेस्ट भी कर दिया उतना, तो चलो कोई बात नहीं, बट ये फाउंडेशन मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। फुल कवरेज देता है, मतलब अच्छी खासी कवरेज देता है ये फाउंडेशन। आपके अगर डार्क स्पॉट वगैरह है ना, तो आप डेफिनेटली ये फाउंडेशन परचेस कर सकते हो, काफी अच्छी कवरेज मिलेगी आपको और बहुत अच्छा है, आपको पसंद भी आएगा और काफी लॉन्ग लास्टिंग भी है। उसके बाद है ये मिलानी का कंसील प्लस परफेक्ट फाउंडेशन, ये इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा, ये 2-in-1 फाउंडेशन है, कंसीलर का काम भी करता है और फाउंडेशन का काम भी करता है, बट आपको इसमें राइट शेड लेना पड़ेगा। ये जो शेड है 05 वार्म बेज, ये मेरे स्किन टोन से थोड़ा सा लाइट है। देखो मेरे जो फाउंडेशन है ना सारे ऐसे ही है, कोई इस मेरे स्किन टोन से लाइट है, कोई मेरे स्किन टोन से डार्क है, तो मैं सारे अपने मिक्स करके ही लगाती हूँ, एक वाला छोड़ के, ये मुझे मिक्स नहीं करना पड़ता है, बट बाकी सारे मैं मिक्स करके ही लगाती हूँ। ये मैं 6 लेती तो अच्छा रहता है, 6 या 7, बट ये मैंने वार्म बेज लिया 5, 05 शेड, 1 या 2 शेड लाइट है बस। ये वाला जो फाउंडेशन है मुझे इतना ज्यादा पसंद है कि आपको क्या बताऊँ, बहुत अच्छे से कवरेज देता है आपको। अगर नाइट फंक्शन में जाना है ना, तो इसे लगा के अगर जाओगे बहुत अच्छा लगेगा आपको, आपकी स्किन बहुत ही इवन लगेगी, बहुत बहुत ही ज्यादा बढ़िया फाउंडेशन है ये, सच में मुझे फाउंडेशन बहुत पसंद है। उसके बाद है ये पैक वाला फाउंडेशन, ये 2nd नंबर पे आता है, मतलब टॉप 10 में ये 2nd नंबर पे आता है फाउंडेशन। इतना ज्यादा पसंद है मुझे ये, इतना ज्यादा फ्लॉलेस लुक देता है, अगर आप इसे अच्छे से ब्लेंड करोगे तो बहुत ही ज्यादा फ्लॉलेस लुक देगा। और उसमें ये फाउंडेशन बहुत ही सस्ता है, शायद 800-850 का ये फाउंडेशन है, मतलब इसके ऊपर प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है, 875 रुपीज इसकी प्राइस है, बट डिस्काउंट में ये आपको और भी ज्यादा कम में मिल जाएगा। इसमें भी पैकेजिंग देखो कितनी बढ़िया दी हुई है, और इसमें जो शेड है ना मेरा, ये परफेक्ट शेड आया है, सॉरी मैं भूल गई आपको बताना, ये जो शेड है मेरा परफेक्ट शेड आया है 3.1, 3 भी आ जाएगा, मेरे स्किन टोन वाले हो तो आपको 3 भी आ जाएगा, 3.0 और 3.1 भी आ जाएगा। मुझे लगा था पहले 3.1 मेरे लिए थोड़ा सा डार्क है, बट कोई नहीं, अगर आप थोड़े से टैन हो जाते हो हल्का सा तो भी आपके लिए ये हो जाएगा, अगर आप 03 भी लेते हो, मतलब 30 या 03 भी, तो वो भी आपके लिए परफेक्ट हो जाएगा। दोनों शेड आपके लिए, अगर मेरे स्किन टोन के हो तो आप ले सकते हो। और पैकेजिंग तो इतनी बढ़िया दी हुई है, मुझे पैकेजिंग भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। और उसके बाद पंप दिया है इसमें, इस तरह से ये ग्लास बॉटल मिलती है आपको, पंप दिया होता है और पंप में यहाँ पर ये कैप भी दी है। तो पैक ये फाउंडेशन मैक का ड्यूब है, और इतना ज्यादा पसंद है मुझे कि आपको क्या ही बताऊँ, इसी वजह से मैंने इसे 2nd नंबर पे रखा है। उसके बाद ये फाउंडेशन है मैक का, यहाँ पर ही दिख जाता है मेरा शेड NC42, बट मेरा शेड NC42 नहीं है गाइस, ये थोड़ा सा डार्क आया है थोड़ा सा, बट इतना पता नहीं चलता है, अगर मैं कैमरा पे दिखाऊं ना तो इतना पता नहीं चलेगा, बट वैसे नेचुरल मैं देखूं ना ऐसे तो फिर पता चलेगा मुझे कि ये शेड मेरा थोड़ा सा डार्क है। अगर मैं 40 लेती, 35 तो नहीं ले सकती, अगर मैं 40 लेती या 37 भी लेती
तो भी चल जाता है, बट ये NC42 ले लिया है। मतलब यूज करती हूँ मैं, ऐसा नहीं है इसे यूज नहीं करती हूँ, इतना भी ज्यादा डार्क नहीं है। हल्का सा कोई दूसरा फाउंडेशन मैं इसमें मिक्स कर लूँ ना, एकदम हल्का सा, एक बूंद भी नहीं, एक बूंद तो बहुत ज्यादा हो गया, एकदम मोती, छोटे मोती के दाने जैसा, तो मेरा ये शेड बन जाएगा। बट मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं पहले ही थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होते हैं ना फाउंडेशन, तो इसी वजह से मैं पहले ही 37 ले लेती ना, तो मेरे लिए बेस्ट रहता। 37 या 40, 37 ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप मेरे स्किन टोन वाले हो तो 37 आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होता है तो फिर हो जाता है वो फाउंडेशन आपके स्किन टोन का। तो इसीलिए ये फाउंडेशन मेरा फेवरेट फेवरेट, बहुत ज्यादा फेवरेट फाउंडेशन है। तो ये थे गाइज मेरे टॉप 10 फाउंडेशन। आई होप आपको ये सारे फाउंडेशन पसंद आया होगा, और इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प भी मिल गई होगी। अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिल गई हो ना, तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। अगर आपको फाउंडेशन परचेस करने हैं तो लाइक जरूर कर देना। और हाँ, परचेस करने हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, एक सेपरेट सेपरेट लिंक भी दे दिया है इसके, और माय हॉल स्टोर का लिंक भी दे दिया है। आपको अगर परचेस करना है तो चेक कर लेना, क्योंकि अभी सेल चल रहा है अमेजोन पे, तो आपको बहुत कम प्राइस में ये सारी चीजें मिल जाएंगी, बहुत ही कम प्राइस में ये सारे फाउंडेशन मिल जाएंगे। तो आपको जो भी परचेस करना है फाउंडेशन, वो आप परचेस कर सकते हो। तो चलिए गाइज, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग देखना मत भूलेगा, बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है, वो व्लॉग मैं अभी से स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चलिए फिर गाइज, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में आपसे। ध्यान रखना अपना।